तो वहीं बिलासपुर में भी नौतपे की गर्मी ने लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर का तापमान 43 डिग्री से 45 डिग्री के बीच रहा। बड़े हो या बच्चे, सभी गर्मी से डिहाइड्रेट हो रहे हैं और हीट स्ट्रोक का शिकार भी हो रहे हैं। तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने से स्वास्थ्य विभाग के साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टरों ने विशेष ध्यान रखने की हिदायत भी लोगों को दी है। जो हमारे अंतर्गत आने वाले सरकारी और निजी अस्पताल हैं, उन सभी के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है कि मौसमी गर्मी के कारण जो मौसमी बीमारियां हो सकती हैं, हीट वेव हो सकती है और हीट एग्जॉशन होता है जिसके कारण डिहाइड्रेशन की स्थिति आ जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है। तो इन सब गरियाबंद की बात करेंगे। यहाँ भीषण गर्मी के चलते लोग परेशान हैं। बीते कुछ दिनों में जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, उससे आम लोगों के लिए दिन के समय घर से बाहर निकलना दूभर हो चुका है। बता दें कि शहर भर में लू चलने की वजह से लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो चुके हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने गर्मी का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया। और इधर गर्मी का असर